चीन के साथ विवाद को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेहद गंभीर स्थिति करा दिया है। एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस दौरे पर हैं। संभावना जताई जा रही है कि लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच चीनी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर सकते हैं। बॉर्डर पर ताजा फायरिंग की घटनाओं के बाद भारत और चीन के बीच सबसे उच्च स्तर की वार्ता होगी। चीन के खतरनाक मंसूबों के चलते एलएसी को लेकर अब तक कोई भी कूटनीतिक पहल कामयाब नहीं हुई है। गलवान हिंसा के बाद से अब तक विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और इसके अलावा कमांडर स्तर की कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर बातचीत के बाद चीन का रवैया जमीन पर अलग होता है और अब एस जयशंकर चीन के इस रुख को बेनकाब करेंगे। मॉस्को में 10 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के मुलाकात की संभावना है। हालांकि अभी तक भारत ने आधिकारिक रूप से जयशंकर वांग यी मुलाकात की पुष्टि नहीं की। माना जा रहा है कि भारत की नजर सीमा के डेवलपमेंट पर बनी हुई है और स्थिति के मुताबिक एससीओ बैठक के दौरान ही मुलाकात पर फैसला होगा। संभावना जताई जा रही है कि लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच चीनी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर सकते हैं। बॉर्डर पर ताजा फायरिंग की घटनाओं के बाद ये भारत और चीन के बीच सबसे उच्च स्तर की वार्ता होगी। सूत्रों के अनुसार 10 सितंबर को भारत और चीन के बीच ये बैठक हो सकती है। इस बैठक में 1993 के बाद से द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करने पर जोर दिया जा सकता है। चीनी विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल ऐसे कई समझौते हैं जिन्हें चीन लगातार तोड़ रहा है और जिसकी वजह से सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अब आपको बताते हैं ऐसे कौन से समझौते हैं जो चीन की ओर से लगातार तोड़े जा रहे हैं। 1993 में भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता के रखरखाव पर समझौता। 1996 में एलएसी के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता। 2005 में एलएसी के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों के कार्यान्वयन के लिए तौर तरीकों पर प्रोटोकॉल। 2012 में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्य प्रणाली की स्थापना पर समझौता। 2013 सीमा रक्षा सहयोग समझौता। तो वहीं मॉस्को में विदेश मंत्री चीनी विदेश मंत्री वांग यी के सामने ये तर्क मजबूती से रखेंगे कि आखिर सीमा पर शांति के लिए जरूरी पहल से चीन मुंह क्यों मोड़ रहा है। सूत्रों ने कहा कि गलवान हिंसा के बाद 17 जून को दोनों विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों में जिम्मेदारी से स्थिति संभालने पर सहमति बनी थी। अब एक बार फिर बेहद तनाव की स्थिति में दोनों विदेश मंत्रियों की सीधे आमने सामने बातचीत की संभावना बनी है और ऐसे में इस बातचीत पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।